किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा ईआरसीपी को सिंचाई परियोजना घोषित करनी चाहिए, जिससे लोगों को पीने का पानी और खेती के लिए पानी उपलब्ध हो सके। ये बात शनिवार को राजधानी के पिंक सिटी प्रेस क्लब में किसान महापंचायत की प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कही। जाट ने कहा कि ईआरसीपी योजना में चंबल एवं बनास नदियों पर बनी जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया जाए। इसमें इंदिरा चंबल, धौलपुर, पीपलदा, डागरिया, पिपलेट, ओलवाड़ा एवं बात के रूप में करेली, गलता, गलवा द्वितीय जैसी संपूर्ण परियोजना क्षेत्र की सभी सिंचाई योजनाओं की कृषि भूमि परियोजना में सम्मिलित की जाए। इससे 13 जिलों की जनता को पानी मिल सकेगा। इस दौरान जाट ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि राजस्थान से 25 सांसद देने के बाद भी ईआरसीपी को लेकर राज्य और केंद्र की सरकार राजनीति कर रही है। केंद्र से राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं भी करे तब भी राज्य को अपने संसाधनों से इस परियोजना को पूरा करना चाहिए। उनको ज्ञापन भी दिया और हमें अच्छा लगा जब मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि केंद्र चाहे इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे या नहीं करे, हम इसको पूरा करेंगे। तो हमको अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने किसानों की बात तो सुनी, किसानों की भावनाओं को तो समझा। इसी ढंग से केंद्र भी हमारी भावनाएं समझ ले। केंद्र भी हमारी भावना नहीं समझ रहा कि मैंने कहा अनापत्ति मध्य प्रदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। जल नियंत्रण मंडल की 13वीं बैठक में पुष्ट हुए कार्यवाही के अनुसार तो आवश्यकता नहीं है। तो आप क्यों कह रहे हो कि आप अनापत्ति